के प्राइम टाइम में मैं जोया खान आपका स्वागत करती हूँ। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को होगी वोटिंग, जबकि 21 जुलाई को आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र सीएम पर नवनीत राणा का पलटवार, कहा मुझे चुनौती मंजूर, कश्मीर जाकर पढ़ूंगी हनुमान चालीसा। और एमएसईडीसीएल कार्यालय के सामने सरपंचों ने किया आमरण अनशन, 70 गांवों की सड़कें अंधेरे में। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग 18 जुलाई को होगी, वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी, यानी नए राष्ट्रपति का ऐलान भी उसी दिन कर दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में 4,809 इलेक्टर्स वोट डालेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग 18 जुलाई को होगी, वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी, यानी नए राष्ट्रपति का ऐलान भी उसी दिन कर दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में 4,809 इलेक्टर्स वोट डालेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकती। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, नामांकन पत्र दिल्ली में वितरित किए जाने हैं और निर्वाचक मंडल के कम 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और अन्य 50 समर्थक के रूप में जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव में आम लोगों की भागीदारी नहीं होती, चुने हुए जनप्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं। थाना अंतर्गत गुरु तेज बहादुर नगर में प्रफुल्ल सहारे इनके घर पर उनकी पत्नी मृदावस्था में मिली, जबकि प्रफुल्ल सहारे भी जमीन पर पड़े हुए थे। इस मामले में प्रफुल्ल सहारे को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। इस मामले में आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत गुरु तेग बहादुर नगर में प्रफुल्ल सहारे उनकी पत्नी ऋतु सहारे दोनों ही अपने घर में मृत अवस्था में मिले हैं, जिसमें महिला फांसी के फंदे पर झूल रही थी और महिला के हाथ की नस भी कटी हुई होने की जानकारी मिली है, जबकि उनके पति नीचे जमीन पर पड़े हुए मिले, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। पति को इलाज के लिए पुलिस द्वारा मेयो हॉस्पिटल में ले जाया गया है, लेकिन महिला की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने दी जानकारी के अनुसार शव संदेहजनक हालत में मिला है, इसलिए यह हत्या भी हो सकती है। इस मामले में कपिल नगर पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। सकाळी 10:30 साडेदहा ते 11 वाजण्यासमोर असं एक कॉल मिळाला होता की एका घरामध्ये हँगिंगचं आहे, महिला हँगिंग आहे। त्या माहितीवरून आम्ही स्वतःसोबत माननीय पोलीस साहेब पोलीस आयुक्त जरीपटका यांच्यासोबत घटनास्थळी भेट दिली। त्या ठिकाणी मिळालेल्या माहितीनुसार ऋतू प्रफुल्ल सहारे ही महिला वय वर्ष 26 राहणार बाबाजी श्रीनगर, तिने घरामध्ये राहत्या घरामध्ये गळफास घेतलेला होता। अधिक माहितीप्रमाणे ऋतू तिच्या पतीसोबत आणि दोन मुलांसोबत घरी राहत होती। त्याच घरामध्ये प्रफुल्ल सहारेचा भाऊ आणि त्याची पत्नी त्याच्यावरती घरामध्ये राहत होते। आज सकाळी 10:30 वाजण्यासमोरास प्रफुल्ल सहारे व ऋतू सहारे घरामध्ये असताना आतून दरवाजा बंद होता, दरवाजा त्यांचे लहान मुलं दरवाजा उघडत असताना दरवाजा उघडला नाही म्हणून प्रफुल्ल सहारेचे भाऊ प्रशांत सहारे यांनी येऊन घराचा दरवाजा लोकांच्या मध्ये तोडला असता, आतमध्ये पाहिला असता बेडवरती प्रफुल्ल सहारे हा तोंडाला फेस आलेल्या अवस्थेत अत्यवस्थ दिसून आला आणि ऋतू प्रल्हाद सहारे ही त्याच रूममध्ये फॅनला ओढणीने गळफास घेऊन गळफास घेतलेल्या अवस्थेमध्ये आढळून आली होती। त्याचबरोबर ऋतू प्रल्हाद प्रफुल्ल सहारे आहे, हिच्या दोन्ही हातांवरती ब्लेडने कटिंग झालेलं आहे आणि त्याचा खूप सारा रक्त स्त्राव झालेला होता। जो प्रफुल्ल सहारे आहे याचा श्वास चालू असल्याने त्याच्या कुटुंबातील लोक त्याला मेवला पुढील उपचारासाठी घेऊन गेले आहेत। तो सध्या बोलत नाही आहे, अत्यवस्थच आहे अजून। आणि ऋतू प्रफुल्ल सहारे हिच्या पोस्टमॉर्टमकरता बॉडी रुग्णालयामध्ये मेव हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आलेले आहे। त्यातून पोस्टमॉर्टम झाल्यानंतर तसेच प्रफुल्ल सहारे या शुद्धीवर आल्यानंतर त्याच्याकडे चौकशी करून त्यानुसार पुढची घटना काय आहे त्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येत आहे। सध्या घटनास्थळावरून कुठल्याही गोष्टीची कल्पना येत नाही की याच्यामध्ये घातपात आहे किंवा आत्महत्या आहे। व पोस्टमॉर्टम आणि जो प्रफुल्ल सहारे आहे यांच्या शुद्धीवर आल्यानंतर त्यांच्याकडे केलेल्या चौकशी यावरून पुढे निष्कर्ष काढता येईल त्यामध्ये काय घटना घडलेली आहे। VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। मनसे
अध्यक्ष राज ठाकरे वारंट आदेश के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए, इस वजह से अदालत ने बुधवार को फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही 11 जुलाई 2022 अगली तारीख अदालत में पेश होने की दी गई है। मनसे नेता शिरीष पारकर का जमानत वारंट अदालत में पेश होने और जमानत मिलने के बाद रद्द कर दिया गया था। हालांकि वारंट जारी होने के बावजूद आरोपी नंबर 9 राज ठाकरे कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है। शिराला में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने अदालत में नियमित आपराधिक सुनवाई की। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आरोपी नंबर 9 और शिरीष पारकर आरोपी नंबर 10 है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। तदनुसार शिरीष पारकर बुधवार को अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत दे दी गई। अदालत ने पारकर को 15,000 रुपये की जमानत और 700 रुपये के जुर्माने पर जमानत दे दी। वारंट जारी होने के बावजूद राज ठाकरे कोर्ट में पेश नहीं हुए। नतीजतन अदालत के मजिस्ट्रेट पीए श्रीराम ने उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस बीच राज ठाकरे के वकीलों ने इस्लामपुर में जिला सत्र न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। अब 11 जुलाई 2022 को अगली नियत तारीख है। आज शिराळा येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या समोर माननीय राज साहेबांचे यांच्या विरुद्ध जो काही गुन्हा नोंद होता, केस नंबर 92/2008 आरोपी नंबर 9 आणि 10 म्हणजे राज साहेब आणि माननीय राज साहेब आणि शिरीष पारकर साहेब यांच्या विरुद्ध वॉरंट जे होतं, त्यापैकी आम्ही आज पारकर साहेबांचं वॉरंट रद्द करून त्यांचा एक डिस्चार्ज ॲप्लिकेशन अर्ज दिलेला आहे। पारकर साहेबांच्या वतीनं आज त्यांचा नवीन जामीनदाराची पण तजवीज करून ठेवलेली आहे। आता राज साहेबांच्या बाबतीत जी काही रिव्हिजन डिसिजन पूर्ण दाखल केलेलं आहे, त्या रिव्हिजनचा निकाल येईल तोपर्यंत आम्हाला न्यायालयाने पुढचे 1 महिन्याची तारीख दिलेली आहे। आणि या कामी आज रोजी आम्हाला इस्लामपूरचे आमचे मनसेचे पदाधिकारी सनी कराडे साहेब आणि हे जामीनदार तुमचं नाव विजयशंकर यांनी सहकार्य केलं, त्यामुळे आम्हाला शिरीष पारकर साहेबांना आजच्या वॉरंटच्या ह्याच्यातून मुक्तता करता आली। आणि पारकर साहेबांचं जे काही डिस्चार्ज ॲप्लिकेशन आहे आज रोजी आम्ही हजर करतो, त्याच्यावरती कामकाज पुढे चालू राहील। राज साहेबांच्या बाबतीत इस्लामपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत तरी ते काम त्यांच्या बाबतीत तसंच प्रलंबित राहील, त्यांचा निकाल झाल्यानंतर पुढील कारवाई करता येईल। यामध्ये आम्हाला असंही करता येतं की हे जर समन्स केस झाली तर कन्सिडर केली कोर्टानं, तर यामध्ये आम्ही व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये त्यांचा प्ली किंवा चार्ज फ्रेम करता येईल किंवा वकिलामार्फतही करता येईल आणि ही केस आता आम्ही पुढे चालवू त्याचा सूक्ष्मोक्ष लावू। आज आरोपी नंबर 10 या केसमधील मनसेचे नेते शिरीष पारकर हे न्यायालयात उपस्थित राहिले, त्यांच्या वतीनं आपण त्यांचा वॉरंट रद्द करायचा अर्ज न्यायालयाला सादर केला। तो अर्ज मे कोर्टाने मंजूर केला। ते करत असताना आरोपी नंबर 2 ह्याच्यामधले मनसेचे नेते आदरणीय राजसाहेब ठाकरे त्यांचा जो अगोदरचा जो अर्ज आहे, जो वॉरंट त्यांचा अर्ज या न्यायालयाने नामंजूर केला होता, त्याची विरोधामध्ये आम्ही जिल्हा न्यायालय इस्लामपूर येथे रिव्हिजन दाखल केलेली आहे। ती रिव्हिजन 9 तारखेला न्यायालयासमोर निघणार आहे। तोपर्यंतच्या काळामध्ये आरोपी जे शिरीष पारकर आहेत यांच्या वतीनं जो अर्ज दाखल केला होता तो न्यायालयाने मंजूर केला, त्यांचा वॉरंट रद्द केलेला आहे। आणि पुढील त्यांच्या पुढील राजसाहेबांच्या रिव्हिजन अर्जावरती निकाल झाल्यानंतर याच्यावरती पुढची काय असेल ती कोर्टाची स्टेज राहणार आहे। आता याच्यामध्ये असं आहे की राजसाहेब ठाकरे यांचा याच्या या प्रत्यक्ष गुन्ह्यामध्ये कोणताही सहभाग नाही, फक्त त्यांच्या वक्तव्यावरून हे गुन्हा घडला अशा प्रकारची सरकारी पक्षाची केस आहे। आणि या केसच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर आमच्या वतीनं असा अर्ज देण्यात येईल की तो राजसाहेबांचं या गुन्ह्यामध्ये कोणताही सहभाग नाही, तर त्यांचं नाव या केसमधून वगळण्यात यावं। मनसेचे नेते शिरीष पारकर यांच्या वतीने मी स्वतः ॲडव्होकेट विजय खरात, त्यानंतर आनंदराव चव्हाण कोल्हापूरचे आणि ॲडव्होकेट सतीश कदम आम्ही तिघांनी या ठिकाणी त्या दोघांचं या शिरीष पारकर साहेबांचं या ठिकाणी प्रतिनिधित्व केलं। आणि राज साहेबांच्या वतीने देखील आम्ही जी रिव्हिजन जिल्हा कोर्टामध्ये दाखल केली इस्लामपूरमध्ये दाखल केली त्याची देखील माहिती न्यायालयाला दिलेली आहे। त्याच्या नेमल्या तारखेची पुढची जी काय प्रोसेस होईल त्याच्यामध्ये काय आदेश पास होतील पारित केले जातील ते देखील न्यायालयाला देण्याची आम्ही तजवीज ठेवलेली आहे। हनुमान चालीसा विवाद मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती को अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने स्वीकार किया है। नवनीत राणा ने चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अंग है और अगर सीएम उद्धव ठाकरे ये समझते हैं कि वह हनुमान चालीसा का पाठ करना मुश्किल है तो मैं जरूर जाऊंगी और पाठ करूंगी। नवनीत राणा ने एक न्यूज चैनल के मंच से सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बुलाया।
उन्होंने कहा कि सीएम ने कल औरंगाबाद में सभा को संबोधित किया। इस संबोधन में जहां उन्हें सीएम होने के नाते औरंगाबाद की जनता की परेशानियों पर बात करनी चाहिए थी, वो वहां मुझे कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सभा में उन्होंने औरंगाबाद की समस्याओं को लेकर बात नहीं की। नवनीत ने आगे कहा कि उद्धव कहते हैं कि मंदिर में जाना जरूरी नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि आप हिंदुत्व को दर्शाते हैं। नवनीत ने कहा कि औरंगाबाद की जनता पानी के लिए परेशान है, सीएम ने इसको लेकर कल सभा में कोई जिक्र नहीं किया। नंदुरबार जिले के नागरिकों के लिए अब मुंबई की यात्रा करना सुविधाजनक हो गया है। नंदुरबार से मुंबई सेंट्रल तक रेल सेवा शुरू कर दी गई है। डॉक्टर हिना गावित ने नंदुरबार मुंबई रेलवे सेवा को हरी झंडी के साथ शुरू किया। नंदुरबार में मुंबई सेंट्रल तक रेलवे सेवा शुरू कर दी गई है। पहले दिन 380 में से 248 टिकटों की बुकिंग हुई। नंदुरबार से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन नहीं होने के कारण नागरिकों को अक्सर बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर हिना गावित लगातार नंदुरबार से मुंबई तक रेलवे के लिए जोर दे रही थी और आखिरकार ये मांग पूरी हो गई है। ट्रेन नंबर 19425 को नंदुरबार से मुंबई सेंट्रल के लिए रवाना किया गया है। रेलवे स्टेशन पर हिना गावित द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन नंदुरबार से मुंबई के लिए रवाना हुई। ट्रेन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी और दोपहर 12:50 पर मुंबई पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 19426 मुंबई सेंट्रल से रात 10:30 रवाना होगी और सुबह 9:50 पर नंदुरबार पहुंचेगी। यात्री ट्रेन के शुरू होने पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। नंदुरबार जिल्ह्याचं स्वप्न होतं की इथून डायरेक्ट मुंबईला जाण्यासाठी एक ट्रेन असावी। आपण 2 वर्षापूर्वी नंदुरबारवरून मुंबईला जाण्यासाठी भुसावलहून खान्देश एक्सप्रेस नावाच्या नवीन ट्रेनची सुरुवात केली। आतापर्यंत भुसावलहून किंवा सुरतहून डायरेक्ट मुंबईला जायला अनेक रेल्वे होत्या, परंतु नंदुरबार हे असं मध्यवर्ती ठिकाणी होतं की इथून डायरेक्ट कुठलीही ट्रेन नव्हती, परंतु खान्देश एक्सप्रेसमुळे आता नंदुरबार मुंबई डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी ही झाली। ही जी ट्रेन आहे ही एक्सप्रेस ट्रेन असल्यामुळे बऱ्याचशा छोट्या स्टेशन्सवर थांबत नव्हती। तर माझ्याकडे मधल्या काळामध्ये अनेक लोक मागणी करत होते की आपल्या नंदुरबारहून जी ट्रेन मुंबईला जाते ही छोट्या स्टेशन्सवर सुद्धा थांबली पाहिजे, कारण बरेचसे लोक हे वसई आणि विरार या साईडला राहतात, तर त्यांना जाण्यासाठी ते सोयीचं होईल। तर आपण नंदुरबारहून मुंबईला जाण्यासाठी नवीन एक स्पेशल ट्रेनची मागणी केली होती, त्याला मंजुरी देखील मिळाली आणि आज आता दुपारी 2 वाजता ती जी ट्रेन आहे ती नंदुरबार रेल्वे हो गई। मतलब नंदुरबार वालों के लिए बहुत सहूलत हो गई, यहाँ से सीधा मुंबई ट्रेन चालू हो गई और काफ़ी लोगों को मतलब में राहत हो गई इसके लिए। अच्छा है, सुविधा अच्छी हो गई। पहले कैसी अड़चन निर्माण होती थी? पहले तो बहुत भीड़ भाड़ होती थी, फिर यहाँ से सूरत जाओ, फिर सूरत से गाड़ी चेंज करो या तो फिर भुसावल होके जाओ। वो हिसाब से सही है कि यहाँ से नंदुरबार से डायरेक्ट मुंबई सेंटर के लिए मतलब गाड़ी हो चांगला एकदम बरे आला। खूप गरजेचे होते, कारण मुंबई जाण्यासाठी खान्देश एक्सप्रेस असतो की जेव्हा पोहोचत होते, पण इथून बातल्यानंतर डायरेक्ट मुंबई जाऊ शकतो असं। प्रवाशासाठी खूप चांगली गोष्ट आहे, आनंदाची गोष्ट आहे। आणखी वाढल्या गाड्या तर बरं होईल। खबरों के सिलसिले में वक्तों चला एक ब्रेक का मिलते, छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं,
तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। स्वागत है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट से झटका लगा है। मुंबई की एक अदालत ने दोनों नेताओं की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 10 जून को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए एक दिन की जमानत देने का अनुरोध किया था। अदालत ने जमानत अर्जी पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने देशमुख और मलिक की अर्जियों का ये कहते हुए विरोध किया कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है। एनसीपी के दोनों वरिष्ठ नेता देशमुख और मलिक धनशोधन के अलग अलग मामले में फिलहाल जेल में बंद है। दोनों ने अस्थायी जमानत की मांग करते हुए पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े के सामने आवेदन दिए थे। बुधवार को सभी पक्षों ने इस जमानत अर्जी के पक्ष और विपक्ष में अपनी दलीलें पूरी की। चंद्रपुर जिले के 70 गांवों की सड़कें अंधेरे में हैं। इससे आक्रोशित 70 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सीधे MSCDCL के कार्यालय पर प्रहार करते हुए आमरण अनशन किया है। चंद्रपुर जिले के एक नहीं दो नहीं बल्कि 70 गांवों की सड़कें अंधेरे में है। जिले के भद्रावती तालुका में 70 ग्राम पंचायतों द्वारा बिजली बिल का भुगतान न करने के कारण MSCDCL ने स्ट्रीट लाइट की बिजली आपूर्ति काट दी है। इससे आक्रोशित 70 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सीधे MSCDCL के कार्यालय पर प्रहार किया। सरपंचों ने मांग की थी कि MSCDCL को बिजली बिल का भुगतान करने के लिए कुछ दिन देना चाहिए, लेकिन MSCDCL ने सरपंच की मांग को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए नाराज सरपंचों ने आज सीधे MSCDCL कार्यालय पर प्रहार किया और आमरण अनशन किया। आमचा सर्व रोष MSCB वर आहे। त्यांनी ज्या पद्धतीने आमच्यावर भुर्दंड लावलेला आहे बिल भरण्याचा, त्याच पद्धतीने MSCBने सुद्धा आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये जे जे तुमचे अवजार हे असेल, तुमचे इन्स्ट्रुमेंट असेल, त्याच्यावर सुद्धा आम्ही ग्रामपंचायत कर लावतो आणि तो बी कर आम्हाला तुम्ही द्या, आम्ही तुमची वीज बिल भरतो, अशा पद्धतीचा आम्ही मागणी या ठिकाणी वारंवार केलेली आहे। मला सरकारला विनंतीपूर्वक सांगायचं आहे, आमच्या 70 ग्रामपंचायतीचाच विषय नाही तर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्याचा विषय आहे, संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोकांचा विषय आहे, गंभीरतेचा विषय आहे। मला एक दुःखाचं व्यक्त करायला लागते, आमच्या या ठिकाणी 6 आमदार आहे जिल्ह्यामध्ये, खासदार आहे, मंत्री आहे, जिल्हा परिषद सदस्य आहे, पंचायत समिती सदस्य आहे, परंतु हे राजकीय लोक मूंग गिळून काऊन गप्प बसले आहे याचं मला एक शोकांतिका वाटते आहे। कारण हा गंभीर विषय असून, शेतकऱ्यांचा विषय असून, एकीकडे म्हणतात का गाव शेतकऱ्यांनो तुम्ही शहराकडे जाऊ नका, आणि दुसरीकडे म्हणतात का शेतकऱ्यांची वीज बिल कापा, शेतकऱ्यांच्या गावातील वीज कापा, अशा पद्धतीचं हे एक धोरण, एक शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारं धोरण असल्यामुळे मला या ठिकाणी या राजकीय नेत्यावरसुद्धा मला एक गंभीर आरोप करावं असं वाटते, का त्यांच्यावर एक चिंतन करावं असं वाटते, का तुम्ही एवढे सगळे लोकांच्या लोक गावातील सगळी जनता या विरोधात असून तुम्ही राजकीय नेते या आमच्या पाठीशी का उभे राहत नाही, आमचा प्रश्न निकाली का काढत नाही, अशा पद्धतीचा माझा आमच्या सर्व सरपंचच्या वतीनं आक्रोश आहे। म्हणून जनतेला कडकडीची विनंती आहे, मंत्र्यांना विनंती आहे, आमच्या या मागण्या तात्काळ मान्य करावा, आमच्या गावातील संपूर्ण रस्त्यावरील वीज पुरवठा सुरळीत सुरू करावा, अन्यथा आम्ही या ठिकाणी उपोषणाला बसीन। जोपर्यंत तुम्ही आम्हाला निर्णय देणार नाही, जोपर्यंत आमच्या गावातील सर्व लाईन सुरू करणार नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही। काही झालं तरी चालेल, आम्ही एक एक निष्ठ, एक संघ आणि एकत्र आहो, सरपंच संघटना। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा एक मुस्लिम मौलवी के खिलाफ इस्तेमाल की गई इश निंदा के खिलाफ गुरुवार 9 जून को औरंगाबाद के क्रांति चौक इलाके में धरना आंदोलन किया गया। इस समय बड़ी संख्या में अटल समाज सेवा संघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस समय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ बड़े बड़े नारे लगाए।
बात के गयूर नौजवानों को जिन्होंने आज इस निदर्शन में आके अपनी एकता का होने का सबूत दिया, और मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमारी ये अपील है कि इस जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको तुरंत जो है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर ये नहीं होती है तो जैसा नज़ीर फारूकी साहब और अफसर पठान साहब ने कहा है, हम इसके आगे एक बहुत बड़ा मोर्चा और बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी में। नागपुर में 8 जून को रात में करीब 9:15 को मुकेश लधाराम चन्ना उम्र 54 साल के दुकान पर आरोपी अक्षय ताराचंद शेंडे उम्र 28 साल खलाश लाइन का रहने वाला है। उसने उनके बेकरी में जाकर सामान तोड़फोड़ करके गाली गलौज किया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। तब उन्होंने इसके खिलाफ जरीपटका पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दुकान पे ऐसा हुआ कि एक लड़का आया था मेरे दुकान पे, जिसकी कोई गाड़ी जो मेरी एम्प्लॉई है लेके आई थी थोड़ी देर चलाने के लिए। जब उसने उसको वापस नहीं की तो वो जो है घुरा के मेरी दुकान पे आया, वहां पे उसने तोड़फोड़ की। उसके बाद हमने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने वहां पे एनसी ली, लेकिन उसको तुरंत ही उन्होंने छोड़ दिया। वो वहां से गुस्सा होकर मेरी दुकान जो झेरपटका में है द केक अफेयर के नाम से या सतराम दास के नाम से, वहां चाकू लेके आया और हमारे को जान से मारने की धमकी। तब हमने पुलिस को फोन किया झेरपटका को, तो पुलिस की गाड़ी आके उसको लेके गई, रात भर उसको वहां रखा, और यहां पे भी हमने एक एनसीआर कटवाई है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको यहां पे छोड़ दिया है। वाशिम शहर समेत जिले में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। बारिश से कुछ जगहों पर बुवाई के काम में तेजी आएगी और सूखे से प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। वाशिम में हुई बारिश से नागरिकों को भी खुशी हुई है। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।